केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करना है, केमिकल प्रॉपर्टी तो हमें स्टार्ट करना है सही ना। तो लास्ट टाइम हमने एनिमल्स बिहेवियर डायगोनल रिलेशनशिप ये सब पढ़ लिया था। अब नोट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, क्लियर। केमिकल प्रॉपर्टीज हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। केमिकल प्रॉपर्टीज तो उस पर ध्यान देंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें पढ़ना है रिएक्शंस, मेनली पढ़नी है रिएक्शन। ध्यान रखेंगे रिएक्शन विद एयर, जैसे हाइड्रोजन चैप्टर में भी हमने ऐसे ही पढ़ा था, रिएक्शन विद O2, रिएक्शन विद N2, रिएक्शन विद हैलोजन्स, यही पढ़ा था ना, सेम वैसे ही होगा। यहाँ पे O2 और N2 को एक ही मान लिया, एयर। तो पहला है रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद एयर। तो एयर के साथ क्या रिएक्शन होगी वो नोट करेंगे, क्लियर। रिएक्शन विद एयर, क्लियर। अल्कली मेटल्स की रिएक्शन क्या होंगी एयर के साथ, तो एयर के ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल एकदम, रिएक्शन विद एयर। पहले तो अब जैसे ये 10th लेवल पे हम पढ़ते थे, 10th क्लास में हम पढ़ते थे कि अल्कली मेटल्स को हम केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, व्हाई अल्कली मेटल्स देयर कैप्टन केरोसिन ऑयल, अल्कली मेटल्स को हम केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं। तो बहुत सिंपल सा आंसर है, क्योंकि अल्कली मेटल्स इतने रिएक्टिव होते हैं, इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि जैसे ही एयर के कॉन्टेक्ट में आएंगे इमीडिएटली क्या बना देंगे, ऑक्साइड्स, इमीडिएटली क्या बना देंगे, ऑक्साइड्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th लेवल पे, व्हाई अल्कली मेटल्स आर कैप्ट इन केरोसिन ऑयल, क्लियर। व्हाई अल्कली मेटल्स आर कैप्ट इन केरोसिन ऑयल, तो क्या आंसर आएगा, अल्कली मेटल्स को केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये इमीडिएटली एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना देंगे। तो ये आंसर है इसका, सही है। ये पहला क्वेश्चन मैंने कवर किया यहां पे, व्हाई अल्कली मेटल्स आर कैप्ट इन एयर, बिकॉज़ दे फॉर्म इमीडिएटली एज दे आर वेरी रिएक्टिव, सो दे फॉर्म इमीडिएटली ऑक्साइड्स विद एयर। लेकिन लिथियम को नहीं रखते, लिथियम को क्यों नहीं रखते उसको केरोसिन ऑयल में, क्या आंसर होगा, व्हाई लिथियम इज नॉट कैप्ट इन पैराफिन ऑयल, कोई भी, बिकॉज लिथियम फॉर्म नाइट्रेट नॉट ऑक्साइड। नहीं नहीं, ऑक्साइड तो बनाता ही है, इसकी डेंसिटी लेस है तो वो फ्लोट कर जाएगा केरोसिन। ये कशिश ने बोला है जी सर, बहुत अच्छा कशिश, क्योंकि लिथियम जो है ये केरोसिन ऑयल में रखते ही क्या होगा, केरोसिन ऑयल में तुमने इसको रखा और ये फ्लोट करके इमीडिएटली लिथियम क्रिमसन रेड कलर इमीडिएटली फ्लोट करके क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा और इमीडिएटली ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा। तो इसलिए लिथियम इज रैप्ड अंडर पैराफिन वैक्स, इसको रैप करके रखते हैं पैराफिन वैक्स में ताकि ये ऑक्साइड्स ना बनाए। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट था, ये कवर कर लिया हमने यहाँ पे। अब रिएक्शन विद एयर, क्लियर, रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद एयर, तो ये ध्यान देंगे इसमें, मैं इसकी डिटेल लूंगा अभी। रिएक्शन ऑफ अल्की मेटल्स विद एयर, क्या रिएक्शन है इसकी अल्की मेटल्स की एयर के साथ। तो अब जैसे मैं इसमें इसमें तुम्हें माइनर और मेजर दोनों पढ़ दो, लिथियम की रिएक्शन हुई एयर के साथ। ध्यान रखना स्कूल में जब क्वेश्चन आएगा तो एयर नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा, O2 लिखा होगा। तो अगर O2 लिखा है तो तुम्हें सिर्फ Li2O बनाना है, Li2O। अब मैं एयर लिख रहा हूं तो Li2O भी बनेगा और साथ में क्या बनेगा, Li3N, Li3N याद रहेगा, Li2O, Li3N। और ये मेजर प्रोडक्ट है, माइनर में मैं अलग से लिख रहा हूँ, यहाँ पे माइनर प्रोडक्ट बनता है Li2O2 लिथियम परऑक्साइड, ये भी याद रखना, जेई एडवांस नीट ये भी पूछता है, ये माइनर है, दिस इज माइनर प्रोडक्ट, माइनर, ये मेजर है। मेजर में Li2O बनेगा, Li3N कब बनाओगे, जब एयर होगा, क्योंकि एयर में तो क्या होता है, O2 भी होता है और N2 भी होता है, दोनों मेजर अमाउंट में होते हैं, अदरवाइज CO2 वगैरह भी होते हैं, CO2 वगैरह भी होते हैं, तो वो भी रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम एयर की बात कर रहे हैं। तो मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट से एयर के बोलेंगे O2 और N2, 78% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन, तो Li2O और Li3N बन जाएगा। बनाना सबको आता ही है कि बनाई लोगों तुम्हें, और ये माइनर प्रोडक्ट है लिथियम परऑक्साइड, लिथियम परऑक्साइड इज माइनर प्रोडक्ट। अब लिथियम जो है छोटा साइज होता है इसका, इसीलिए ये बना रहा है, ये भी बनाता है कि लिथियम इज फॉर्मिंग मोनोऑक्साइड। अब सोडियम ले लेता हूं, अगर मैं सपोज सोडियम ले लूं इसके अंदर, सोडियम ले लिया एयर के रिएक्शन कराई, तो अब ये बनाएगा Na2O2, ये क्या बना देगा, Na2O2, Na2O2 ये बना देगा। और मैंने, और माइनर में क्या बनेगा, माइनर में Na2O, ये भी याद रखना, ये नाइट्राइड नहीं बनाता, ध्यान रखना चीज का, नाइट्राइड नहीं बनाता। लिथियम क्यों बना रहा था, क्योंकि लिथियम की पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा थी, लिथियम की पोलराइजिंग पावर ज्यादा थी, इसलिए N3- के चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, पोलराइजिंग पावर उसकी ज्यादा थी। लेकिन सोडियम प्लस की पोलराइजिंग पावर इतनी नहीं होती है,
तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो Na2O2 बनेगा। Na2O2 मेजर प्रोडक्ट है, माइनर में Na2O, माइनर में Na2O। हाँ, अगर तुमने सोडियम एक्सेस में ले लिया, क्लियर, अगर सोडियम एक्सेस में ले लिया, ध्यान देंगे इधर, अगर सोडियम तुमने एक्सेस में ले लिया तो Na2O बनेगा, सोडियम अगर एक्सेस में, अलग से याद करना, अलग से याद कर लो, सोडियम इन एक्सेस, ये सोडियम अगर एक्सेस में है, क्योंकि सोडियम तो अच्छा मेटल है, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन्स देगा, इलेक्ट्रॉन्स जा रहा देगा, इलेक्ट्रॉन जा रहा देगा तो क्या बन जाएगा, Na2O। सोडियम अच्छा मेटल है, सोडियम अगर अच्छा मेटल है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जा रहा देगा, क्यों देगा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्योंकि अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये ध्यान रखना, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, इसलिए Na2O बनेगा। मैं दोबारा बता देता हूँ उसको, ये इंपॉर्टेंट चीज है, Na2O2 बनता है, कोई भी कहेगा सोडियम की रिएक्शन हुई है एयर के साथ क्या बनेगा, तो तुम बोलना मेजर अमाउंट में Na2O2, लेकिन अगर मैंने सोडियम ले लिया एक्सेस में, या यहीं पर लिख दूं एक्सेस में अगर, तो बनेगा Na2O, तो Na2O बनेगा, क्योंकि सोडियम क्या है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा देगा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा देगा, पहले क्या आ रहा था, पहले था Na2O2, ध्यान देंगे Na2O2 था, यानी O2 था उस पर 2 नेगेटिव चार्ज था, O2 था उस पर 2 नेगेटिव चार्ज था, अब क्या है तो Na2 ही, लेकिन एक ही ऑक्सीजन को ज्यादा चार्ज मिल गया, क्यों, क्योंकि सोडियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, सोडियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, तो एक ही O पे चार्ज ज्यादा आ जाएगा, पहले क्या थे, दो ऑक्सीजन थे, पूरा मॉलिक्यूल था, उस पे चार्ज आया था 2 नेगेटिव, अब ऐसे हो जाएगा। ये क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल लेवल पे अगर तुम्हें याद करना है तो स्कूल लेवल पे पूछेंगे, लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म्स परऑक्साइड, ये जरूर याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है, लिथियम मोनोऑक्साइड सोडियम फॉर्म्स परऑक्साइड, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, समझे कि नहीं है। देखो सोडियम अगर एयर के अंदर रिएक्ट करेगा तो Na2O2 मिलेगा हमेशा, Na2O2, लेकिन अगर सोडियम एक्सेस में हो गया, अगर सोडियम एक्सेस में हो गया तो फिर मिलेगा Na2O। रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है इसका, सोडियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा देगा, एक ही ओ के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज जाएगा, एक ही ओ के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज जाएगा, और पहले जब सोडियम लिमिटेड अमाउंट में था तो O2 चाहिए था उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आया, क्यों, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन कम रिलीज करेगा, क्यों, क्योंकि लिमिटेड अमाउंट में है, अब मैंने ले लिया सोडियम एक्सेस में ले लिया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, इसलिए Na2O2। अब नेक्स्ट है, इसके अलावा जो मेटल्स होंगे ध्यान देंगे, इसके अलावा कोई भी मेटल होगा तो वो बनाएगा सुपर ऑक्साइड, क्लियर, इसके अलावा कोई भी मेटल होगा तो बनाएगा सुपर ऑक्साइड, जैसे ले लिया मैंने पोटेशियम, रूबीडियम या सीजियम, तो ये बनाएंगे सुपर ऑक्साइड, जैसे KO2 O2 के साथ, KO2 और अगर RbO है तो RbO2, CS है तो CSO2, ये बनाएंगे सुपर ऑक्साइड, और माइनर में बनेगा K2O2, RB2O2 या CS2O2, ये माइनर बनेंगे, क्लियर, दे विल बी फॉर्मड इन माइनर अमाउंट, तो ये माइनर अमाउंट बनेंगे, ध्यान रखना चीज का। और जो भी सुपर ऑक्साइड होते हैं वो होंगे येलो या ऑरेंज कलर के, सुपर ऑक्साइड कौन से कलर के होंगे, ध्यान रखना चीज का, येलो और ऑरेंज, येलो और ऑरेंज कलर के होंगे, और बाकी जो ऑक्साइड्स हैं या जो परऑक्साइड्स हैं वो कलरलेस होते हैं, ऑक्साइड्स या परऑक्साइड्स होंगे कलरलेस। अब अगर मैं कहूं तुमसे इन तीनों को अरेंज करना है, ध्यान देना, इन तीनों को अरेंज करना है सिविलिटी ऑर्डर में, सबको याद होगा ये KO2 RbO2 CSO2, सिविलिटी ऑर्डर क्या होगा इसका, KO2 RbO2 CSO2, यही होगा, डाउन द ग्रुप, नाम बोलो, पहले नाम बोलेंगे अपना, कशिश, यही होगा सर, अर्णव, यही होगा, मतलब अर्णव बोल तू सर, KO2 फिर RbO2 फिर CSO2, KO2 फिर RbO2 फिर CSO2, रीजन सर क्योंकि छोटा एटम है, छोटा एनायन है तो छोटे कैटायन को स्टेबल करेंगे, नहीं छोटा एनायन, अर्णव तू आंसर, तेरा कांसेप्ट एकदम परफेक्ट है बिल्कुल, लेकिन तू आंसर गलत दे रहा है, छोटा हम किसको मानते हैं, जब एक ही एटम हो, यार आ गया कि नहीं, अच्छा हां, छोटा मानते हैं ना थर्मल स्टेबिलिटी में, तो ये तो बड़ा है, तो फिर कौन सा स्टेबल होगा, अर्णव तेरे को ध्यान आ गया, मैंने थर्मल स्टेबिलिटी जब पढ़ाया था, मैंने कहा था अगर एक एनायन आ जाए, ये अगर देख एक बार इधर देख, अगर मैंने बोला था Li2O Na2O K2O है, then stable will be Li2O, क्यों, क्योंकि O छोटा है, अकेला है,
हाँ एल आई टू होगा। अब इसमें क्या स्टेबल होगा, ओ टू माइनस है ना ये, तो ये क्या है ओ टू माइनस है सुपर ऑक्साइड, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था उस दिन, तो कौन सा स्टेबल होगा लिथियम बना रहा है मोनोऑक्साइड, सोडियम बना रहा है परऑक्साइड एंड रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल दे आर फॉर्मिंग सुपर ऑक्साइड, रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल दे आर फॉर्मिंग सुपर ऑक्साइड, रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल दे आर फॉर्मिंग सुपर ऑक्साइड। समझ आ गई बात कि नहीं, ये लाइन भूलनी नहीं है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है बोल रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव्स में काफी बार क्वेश्चन आते हैं इसके, लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म्स परऑक्साइड एंड रेस्ट ऑफ द अल्की मेटल दे आर फॉर्मिंग सुपर ऑक्साइड्स, ये आंसर है इसका। माइनर में ध्यान रखना, माइनर में जो प्रोडक्ट बनता है, माइनर में जो प्रोडक्ट बनता है परऑक्साइड बनता है किस केस में, लिथियम के केस में और रेस्ट ऑफ द अल्की मेटल्स में, सोडियम बनाता है ऑक्साइड सिर्फ। यानी एक चीज दिमाग में रखना कि कोई भी अल्की मेटल हो एयर के साथ कुछ ना कुछ अमाउंट में परऑक्साइड जरूर बनाएगा, सिर्फ सोडियम एक्सेस में बनाता है परऑक्साइड, सोडियम सिर्फ एक्सेस में बनाएगा परऑक्साइड, रेस्ट ऑफ द अल्की मेटल विल फॉर्म इन माइनर। परऑक्साइड देख लो ना तुम, हर जगह बन रहा है परऑक्साइड, परऑक्साइड हर जगह बन रहा है, बस लिथियम क्या बन रहा है, नहीं समझ आ रही बात, लिथियम किस अमाउंट में बना रहा है, ये ध्यान रखना चीज का। सारी बातें नोट कर लेना कॉपी में जो मैं बोल रहा हूँ, कोई पूछना तो पूछ लो, गलत मत करना बिल्कुल। स्कूल लेवल पे बहुत सिंपल क्वेश्चन, बोलेंगे लिथियम जो है एयर के साथ मोनोऑक्साइड बना रहा है, लिथियम जो है एयर के साथ क्या बना रहा है मोनोऑक्साइड, ये स्कूल लेवल पे और नीट के में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, लिथियम जो है मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम बनाता है परऑक्साइड, पोटेशियम बनाता है या रुबिडियम बनाता है या फिर सीजियम बनाता है परऑक्साइड और सुपरऑक्साइड, सुपरऑक्साइड ये क्वेश्चन आएगा स्कूल में। और बाकी मैंने जो डिटेल बताई है कि कलर्ड सिर्फ कौन से होते हैं सुपर ऑक्साइड, कलर्ड क्या होते हैं ओनली सुपर ऑक्साइड, वो ध्यान रखना जरूर। अब मैं एक बार दोबारा ले रहा हूँ इस क्वेश्चन को ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाए, लिथियम जो है रिएक्शन में O2 के साथ, मेजर वाला प्रोडक्ट ले रहा हूँ मैं सिर्फ, माइनर मैं पीछे बता चुका हूँ, माइनर प्रोडक्ट भी आजकल पूछ रहे हैं, लिथियम बनाता है मोनोऑक्साइड, सोडियम ऑन रिएक्शन विद O2, मैं अब O2 ले रहा हूँ नॉट एयर, सोडियम फॉर्म्स परऑक्साइड, रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स में मैं सिर्फ पोटेशियम ले रहा हूँ, पोटेशियम इज फॉर्मिंग सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम इज फॉर्मिंग सुपर ऑक्साइड। अब तुम्हें एक चीज बताना है कि इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, पहला क्वेश्चन मेरा ऑब्जेक्टिव का, जेई एडवांस में भी आया हुआ दो बार, इन Li2O, Na2O2, KO2 व्हिच इज पैरामैग्नेटिक, 10th वाले बच्चे को भी नहीं समझ आएगा, किसने बोला ये, प्रथम, प्रथम यस सर, हां प्रथम क्यों, जो सुपर ऑक्साइड मतलब एंड बॉन्डिंग में एक ही, बहुत अच्छे प्रथम, पढ़ाई कर ढंग से, देख तूने सबसे जल्दी आंसर दिया, फास्ट है तू और पढ़ाई कर ढंग से, बहुत अच्छे प्रथम। KO2 क्यों, KO2 में अगर मैं तुमसे पूछूं कैसे टूटेगा तो K प्लस प्लस O2 नेगेटिव में टूटेगा, ये K प्लस प्लस O2 नेगेटिव में, और O2 नेगेटिव मतलब 17 इलेक्ट्रॉन, 17 मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन, O2 नेगेटिव मतलब 17 इलेक्ट्रॉन, 17 मतलब ऑड, 10th वाले एटलीस्ट इतना तो ध्यान रख सकते हैं, O2 माइनस मतलब ये तुम्हें सब पता लगेगा केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में वो भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, O2 माइनस मतलब 17 इलेक्ट्रॉन, 17 मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड मतलब पैरामैग्नेटिक, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड जरूर होगा, हमेशा पैरामैग्नेटिक होगा, तो इसे KO2 पैरामैग्नेटिक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होते हैं, लाइन भूलनी नहीं है, सुपर ऑक्साइड दे आर पैरामैग्नेटिक, तो इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। अब इसके आगे ना रिएक्शन आती है जैसे वाटर के साथ, ध्यान देना ये मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा अभी बता रहा हूँ यहाँ पे, इसकी रिएक्शन अगर वाटर से होगी तो क्या बनेगा, इसकी रिएक्शन वाटर से होगी तो क्या बनेगा, और इसकी रिएक्शन ये मैंने तुम्हें हाइड्रोलिसिस में पढ़ा रखा है, फिर भी दोबारा देखेंगे एक बार क्योंकि बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन इसका, एम्स में भी क्वेश्चन आया हुआ इसका, Li2O में H2O डाला क्या बन जाएगा, 2LiOH, 2LiOH, सोचना नहीं है बिल्कुल भी, बता रखा है मैंने पहले भी ये, और सोचने का तरीका चाहो तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो, Li प्लस है और पानी के अंदर H प्लस और OH आयंस है, पानी के अंदर H प्लस और OH आयंस है, Li प्लस था O2 माइनस था, यही था ना, तो Li प्लस और OH बस क्रॉस ऐड कर देना, H प्लस और O2 माइनस क्या बन जाएगा, H2O, तो ये तो H2O, इसको हटाई देंगे, इसको Li OH बन जाएगा सीधा, OH आयंस ले लेंगे इसको भी, Li प्लस और OH आयंस को क्या ले लेंगे, OH आयंस, तो ये दो OH आयंस हो गए और दो Li प्लस है ही यहाँ पे, तो 2LiOH बन जाएगा, 2LiOH, 2LiOH बन जाएगा, Na2O2 प्लस H2O क्या बन जाएगा,
Na2O2 plus H2O. 2NaOH. 2NaOH plus H2O2. NaOH plus H2O2. H2O peroxide linkage है ना इसके अंदर? Peroxide linkage तो क्या बन जाएगा? Na plus है तुम्हारे पास और O2 2 negative है. Na plus है और O2 2 negative है. और पानी के अंदर H plus है और वो चायंस है. तो ये बन गया, आप ऐसे जोड़ देना इसको. H2O2, H2O2, ये O2 peroxide आयन है ना, peroxide आयन ये होता है. O2 2 negative. तो NaOH और H2O2 मिलेगा इसमें. NaOH और H2O2. हो सकता है ये H2O2 जहाँ टूट भी जाए, H2O plus half O2 में, लेकिन इससे peroxide मिलता है, इससे peroxide मिलता है. अब KO2 plus H2O है अगर, तो क्या मिल जाएगा? KO2 plus H2O. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यही एम्स में पूछा था. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये पूछा हुआ है एम्स में. नाम बोलेंगे पहले? अनन्या. अनन्या बोलो. KOH plus O2. KOH plus, नहीं अनन्या, छोटी छोटी सी गलती है इसके अंदर. अनन्या ये मैंने पूरा पर बताया हुआ ढंग से. इसमें बनता है, ध्यान रख, KO2 बनता है, H2O2 भी आएगा. हाँ, H2O2 भी आएगा. KOH plus H2O2 plus O2. ये तीन चीजें मिलेंगी, ये तीन चीजें मिलेंगी. मैंने तुम्हें बताया हुआ, ये वाटर का देखो, इसमें O2 माइनस बीच वाला स्टेट है. KO2 तो था, ये KO2 था ना. KO2 मतलब K plus plus O2 negative. और बीच वाली स्टेट तो हमेशा क्या करती है? डिस्प्रोपोर्शनेट. डिस्प्रोपोर्शनेट मीन्स स्टेट कम भी होगी और स्टेट बढ़ेगी भी. तो अब इसके साथ तो H plus आ जाएगा, क्या बन जाएगा? H2O2. O2 आई गया और K plus के क्या आ जाएगा? O ions. तो KOH आ गए ना तीनों. ये मैंने ऐसे करके पहले भी बताया भी हुआ तुम्हें, ये आ गए ना, एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट और ये तीन प्रोडक्ट. देखो स्कूल में तुम्हें रटवा देंगे और रटना ही है तुम्हें, ये वहां पे तुम ये इतना लंबा सोचोगे नहीं वहां पे. लेकिन कंसेप्ट इसलिए बता दिया ताकि तुम्हें याद रहे. कंसेप्ट बताने से याद रहता है लंबे समय तक, इसलिए कंसेप्ट बता रहा हूं मैं कि कैसे ये KOH और H2O2 और O2 देता है. और ये जो है सब मैरिन्स में, ये क्वेश्चन एम्स का है जो आया था. चार ऑप्शन दे दिए थे और बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन सबमरीन्स और स्पेस एयरक्राफ्ट्स. स्पेस एयरक्राफ्ट्स में या फिर सबमरीन्स के अंदर KO2 को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये क्या दे रहा है, देखो ये क्या दे रहा है. हाँ, ये क्या दे रहा है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन दे रहा है. और KOH जो है इसका काम क्या होता है, सबको पता है, मोल कंसर्न बताया हुआ है. KOH नियर बाय जो CO2 है उसको खा जाएगा, उसको कंज्यूम कर लेगा, तो इसलिए ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाएगी. तो इसलिए यूज होता है स्पेस क्राफ्ट में, स्पेस एयरक्राफ्ट में या सबमरीन में यूज होता है KO2 या RbO2. रीजन, बिकॉज इट सप्लाइज ऑक्सीजन यूज फॉर रेस्पिरेशन एंड टेक्स ऑफ नियर बाय CO2. क्यों लेता है? क्योंकि KOH जो है बेस है, बेस जो है एसिडिक CO2 को कंज्यूम कर जाएगा. तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. दिस रिएक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये मैंने बता दिया वाटर के साथ रिएक्शन. क्लियर? वाटर के साथ रिएक्शन, दिस इज रिएक्शन विद वाटर. तो रिएक्शन विद वाटर बता दिया. नेक्स्ट नोट कर लेंगे इसमें आगे. और इनकी रिएक्शन ना उससे भी कर सकते हैं, HCl वगैरह से, HCl से या H2SO4 से भी रिएक्शन पढ़ सकते हैं इसकी हम. तो वो भी नोट कर लेंगे, एक बार लिख लो उसको भी, उसको भी लिख लो. मान लो HCl से रिएक्शन होती है तो NaCl पहले H2O बनेगा. मैं ऊपर वाला पार्ट ड्रॉप कर रहा हूँ एक बार. चलो इसको आगे लिख देते हैं कुछ तो. Li2O बना था, इसमें HCl डाल दिया और H2SO4, तो क्या बन जाएगा? ऐसे ही अगर मान लिया मैंने KO2 है, उसमें डाल दिया HCl, तो क्या बन जाएगा? और Na2O2 में HCl डाल दिया तो क्या बन जाएगा? ये जेई एडवांस में पूछा हुआ इस टाइप का क्वेश्चन है, HCl या H2SO4. तो इसमें डाल दिया अगर मैंने तो क्या बन जाएगा? LiCl, LiCl और H2O, LiCl और H2O, सही ना? LiCl बन जाएगा और H2O. समझ आ गया वो कैसे? पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ना है, पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ देना, सही ना? पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ देना इसके अंदर. इसमें क्या बन जाएगा? KO2 में HCl डाल दिया तो KOH, KCl, KCl O2 plus H2O2. नहीं, HCl इसमें, HCl. तो H2O बन जाता है. और अगर तुम्हें
H2O2 बनता है वो H2O plus half O2 में ऐसे तोड़ सकते तुम, नहीं तो KCl plus H2O major product होते हैं इसके, KCl plus H2O. Same ऐसे ही इसमें भी क्या बन जाएगा NaCl, और अगर हमारे पास H2SO4 होता है तो Li2SO4 बनेगा plus H2O acid के साथ. इसमें क्या बन जाएगा NaCl, NaCl बन जाएगा, NaCl साथ में क्या बन जाएगा H2O2 बनता है, वो टूट जाता है H2O plus half O2 में, इधर स्टेबल नहीं होता एसिड की वजह से. तो मेजर प्रोडक्ट सब में Na सॉल्ट प्लस H2O मिलता है, मेजर प्रोडक्ट सब में यही मिलता है, सॉल्ट प्लस H2O, सॉल्ट प्लस H2O, क्लियर, सॉल्ट प्लस H2O मिलता है. ये क्वेश्चन IIT का क्वेश्चन है, ये IIT में क्वेश्चन आया, पुराना क्वेश्चन है काफी, ये 1980 के आसपास पूछा हुआ है. Na2O2 में अगर हमने H2SO4 डाल दिया तो क्या मिलेगा, तो ये ध्यान रखते हैं इस चीज का. नेक्स्ट अप है इसके अंदर, तो ये रिएक्शन थी किसके साथ, एयर के साथ, दिस वाज रिएक्शन विद एयर. क्वेश्चन अभी भी रह गया है जो स्कूल लेवल पे क्वेश्चन पूछेंगे, स्कूल लेवल पे जो क्वेश्चन पूछेंगे मैं उस क्वेश्चन को दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे. क्वेश्चन क्या है, लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड Li2O, सोडियम फॉर्म्स परोक्साइड Na2O2, रेस्ट अल्कली मेटल्स यानी KRbCs फॉर्म्स सुपर ऑक्साइड. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम्पल KO2 जैसे, विद एयर O2 कह लो, O2 मेजर प्रोडक्ट दिखाया मैंने, ऐसा क्यों है, व्हाई इज दिस सो, ये किस वजह से होगा इसका, क्या रीजन होगा इसका, लिथियम क्यों आ रहा है, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा, लिथियम साइज स्मॉल, हायर पोलराइजिंग पावर और एंड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड, देयरफॉर इट फॉर्म्स, स्मॉल साइज है इसका, स्मॉल लिथियम आयन स्मॉल साइज का, इसलिए क्या बनाएगा मोनोऑक्साइड, इसे क्या बनाएगा मोनोऑक्साइड. दूसरा अब सोडियम है, सोडियम क्या बना रहा है, साइज बढ़ गया थोड़ा सा, साइज लार्जर, पोलराइजिंग पावर डिक्रीज कर गई, स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव फील्ड भी डिक्रीज कर गई, स्ट्रेंथ ऑफ पॉजिटिव फील्ड ऑल्सो डिक्रीजेस, तो इसलिए क्या बना लेगा परऑक्साइड. और जो सुपर ऑक्साइड आयंस है दे आर स्टेबल ओनली विद बिगर कैटायंस लाइक सुपर ऑक्साइड आयंस आर स्टेबल ओनली विद बिगर कैटायंस. वही एक लाइन जो मैंने बोली है ना, वही चीज फॉलो कर रहे हैं इधर. लार्जर कैटायन स्टेबिलाइजेस लार्जर एनायन, क्लियर, लार्जर कैटायन स्टेबिलाइजेस लार्जर एनायन, सही ना, लार्जर कैटायन स्टेबिलाइजेस लार्जर एनायन, यही लाइन फॉलो कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं इसके अंदर. नहीं समझ आ रही बात, हाँ तो ये ध्यान देना, बहुत सिंपल था, मैंने आंसर बताया, लिथियम आयन का साइज छोटा है, पोलराइजिंग पावर इसकी ज्यादा है, नीचे जाने पर पोलराइजिंग पावर कम हो रही है, साइज बढ़ रहा है, एंड ऑल्सो बिगर एनायंस कैन बी स्टेबिलाईज ओनली बाय बिगर कैटायंस, बिगर एनायंस कैन बी स्टेबिलाईज ओनली बाय बिगर कैटायंस, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा, सही ना. अच्छा तुम में से जिस बच्चे ने नोट्स बना लिए बहुत प्रॉपर, श्रेया है, अनन्य है, तुम लोग अपने नोट्स ग्रुप में भेज देना जरूर, ताकि जो बच्चे थोड़े वीक हैं या एवरेज हैं वो नोट्स को देख सकें, नोट जरूर भेज देना अपने, ताकि सब बच्चे देख सकें, और बाकी सबको नोट्स बनाने हैं, जो नोट्स बनाएगा और याद करेगा डेली, जैसे चार पांच बच्चे ऐसे हैं जो मेरे को डेली एस ब्लॉक अगर हो जाता है ना लेक्चर मेरा, तो उसके दो घंटे बाद सुना देते हैं, तो तुम लोग भी करोगे ऐसे तो याद हो जाएगा, नहीं तो याद नहीं होगा ये.
चलो नेक्स्ट नोट करना है रिएक्शन विद एयर के अंदर. रिएक्शन विद एयर मैंने बता दिया, स्कूल का क्वेश्चन बता दिया, डिटेल सारी बता दी, जो क्वेश्चन अब तक आए हुए पुराने वो भी बता दिए यहाँ पे. नेक्स्ट नोट करना है, अगर मैं बात करूँ जैसे बेरिलियम वाले ग्रुप की, बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रॉन्शियम हो गया, बेरियम हो गया, रेडियम हो गया, ये जो है एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे. जैसे ये एयर के साथ रिएक्ट करेगा, ये एयर के साथ रिएक्ट करेगा, सबसे पहले तो ये दोनों रिएक्ट करते नहीं है क्योंकि इनके ऊपर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है. पहले तो अगर कोई नॉर्मल कंडीशन में बोलेगा कोई तो रिएक्ट नहीं करते ये बेरिलियम और मैग्नीशियम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस. ये ना तो पानी के साथ ना एयर के साथ रिएक्ट करते हैं. रीजन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन देयर सरफेस, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस. लेकिन अगर ये पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं तब ये रिएक्ट करते हैं. पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी. तो पाउडर्ड फॉर्म में ही रिएक्ट कर जाते हैं, दे रिएक्ट ओनली इन द पाउडर्ड फॉर्म. तो उस केस में ये बना देते हैं एयर के साथ रिएक्ट करेंगे तो, एयर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बता सकते हो कोई? क्या बन जाएगा? बीओ प्लस Be3N2. एयर है ना, एयर से बनेंगे ही क्योंकि इन सबकी तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है. MgO प्लस Mg3N2. ध्यान रखना पाउडर्ड फॉर्म में है ये दोनों, पाउडर्ड फॉर्म में. कैल्शियम भी है एयर के साथ, CaO प्लस Ca3N2. ऐसे ही स्ट्रॉन्शियम भी बनाएगा, सेम चीज, सारे सेम बनाएंगे बिल्कुल. और तुम्हें समझ आ रहा होगा चार्ज कैसे आ रहा है, Be पे 2+ चार्ज है, N पे 3 नेगेटिव, Be पे 2+ और N पे 3 नेगेटिव, Be पे 2+ है और N पे 3 नेगेटिव. और अगर मैं इसमें HCl वगैरह डाल दूं, तो क्या बन जाएगा? CaCl2 प्लस H2O. सबके साथ ऐसे ही होगा, CaCl2 प्लस H2O, CaCl2 प्लस H2O. तो ये अब मैं इसमें अगर मैं वाटर डाल दूं तो क्या बन जाएगा? CaOH2. ऐसे ही इसके अंदर Ca3N2 में अगर मैंने डाल दिया, ध्यान देंगे, Ca3N2 में मैंने डाल दिया H2O, तो क्या बनेगा? सबने पढ़ा हुआ ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में. बोलो पानी का H प्लस गया इसके साथ तो NH3, OH आयंस गए पानी के इसके साथ तो CaOH2 2NH3 और 2NH3, ये आ जाएगा आंसर. और अगर मैंने इसमें HCl डाल दिया, HCl तो एसिड है, एसिड तो बेस से रिएक्ट करेगा, तो ये भी इससे भी रिएक्ट कर जाएगा एसिड, HCl 3CaCl2, और इससे भी रिएक्ट करेगा HCl 2NH4Cl, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी. तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा HCl के साथ. तो HCl से रिएक्शन ये होंगी, ये दोनों प्रोडक्ट HCl के साथ. क्लियर है? HCl का तो ये प्रोडक्ट बनेगा, समझ गए कि नहीं? ये समझ आ गया? Yes. ये ध्यान रखना इसके अंदर. और एक बात ध्यान रखना, अगर O2 से रिएक्शन हो रही है 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस केस में परऑक्साइड मिलेंगे, ये ध्यान रखना इस चीज का. इसकी मैंने रिएक्शन कराई O2 के साथ 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो जब लगभग सारे क्या देंगे? परऑक्साइड, BaO2, तो परऑक्साइड मिलेगा. याद रखना इसमें Ba पे 2 प्लस चार्ज है. आवाज लैग हो रही है, सबको ऐसे ही दिक्कत हो रही है? नो सर. चलो Ba 2 प्लस प्लस O2 नेगेटिव, ये आ जाएगा Ba 2 प्लस और O2 2 नेगेटिव, ये ऐसे टूटता है, परऑक्साइड मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? परऑक्साइड. क्लियर? परऑक्साइड मिल जाएगा. तो ये ध्यान रखना इसके अंदर. मैंने ये रिएक्शन विद एयर डिस्कस कर दिया है, जितनी पॉसिबिलिटीज थी सारी ले ली है इसके अंदर मैंने. इस लेवल पे तुम्हें कहीं पे नहीं मिलेगा टॉपिक, इसको पढ़ लेना.
और स्कूल लेवल पे क्या क्वेश्चन है, एक लाइन में पढ़ाएंगे सिर्फ ये क्वेश्चन कर लो सिर्फ, लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म्स परऑक्साइड, पोटेशियम एंड अदर अल्टी मेटल दे फॉर्म सुपर ऑक्साइड, वाई। तो बस वो क्वेश्चन कर लेना जरूर, वो स्कूल लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट नोट करेंगे। तो ये हमने स्टडी किया अभी रिएक्शन विद एयर, क्लियर? दिस वाज रिएक्शन विद एयर, नाउ रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ जो रिएक्शन है, वाटर के साथ जो रिएक्शन है वो डिपेंड करता है दो तरीके की रिएक्टिविटी पे। वाटर के साथ जो रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा दो तरीके की रिएक्टिविटी पे। कौन कौन सी रिएक्टिविटी, घबराना नहीं है, सिर्फ मैं जो क्वेश्चन आएंगे वो बता दूंगा तुम्हें, लेकिन ये वर्ड तो यूज करना है यहाँ पे। थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी, और दूसरा काइनेटिक रिएक्टिविटी। काइनेटिक रिएक्टिविटी देखो, थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी इज बेस्ड अपॉन एनर्जी, थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी इज बेस्ड अपॉन एनर्जी, और ये काइनेटिक रिएक्टिविटी है। काइनेटिक रिएक्टिविटी, थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी इज बेस्ड अपॉन एनर्जी, दैट इज डेल्टा जी। डेल्टा जी मैंने पहले भी बताया कि रिएक्शन का डेल्टा जी जितना नेगेटिव रिएक्शन उतनी स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन का डेल्टा जी जितना नेगेटिव रिएक्शन उतनी स्पॉन्टेनियस। तो उसमें हम चेक करेंगे नेट, और एक बहुत सिंपल वर्ड में बोलूं जो 10th वाले बच्चों को समझ आ जाए, कोई भी रिएक्शन ऐसी जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो रिएक्शन होगी, ये होता है थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी। कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो रिएक्शन होगी, हाँ वो रिएक्शन कब होगी ये नहीं बताया इसने, वो बताता है काइनेटिक, वो काइनेटिक, काइनेटिक मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन। काइनेटिक रिएक्टिविटी मींस रेट ऑफ रिएक्टिविटी व्हिच डील्स विद स्पीड ऑफ द रिएक्शन, दैट इज रेट ऑफ रिएक्टिविटी। रेट मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन। मान लो वो रिएक्शन ही हमारी 100 साल के बाद हो रही है तो उस रिएक्शन का यूज ही नहीं हमारे लिए, तो उस रिएक्शन का यूज ही नहीं है ना। मतलब थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी बताएगा कि रिएक्शन होगी, कब होगी ये नहीं बताया, कितनी स्पीड से होगी ये नहीं बताया। तो हम दोनों रिएक्टिविटी से डील करते हैं, और ये दोनों रिएक्टिविटी समझ आ गया 10th वाले बच्चों को। थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी मींस दिस डील्स विद रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी। कोई रिएक्शन हो रही है, अगर उसमें एनर्जी रिलीज होगी तो वो रिएक्शन होने के चांसेस है, इसलिए कि ये नहीं बताया कि वो रिएक्शन कब होगी या कितनी स्पीड से होगी। स्पीड अच्छी है तो रिएक्शन पॉसिबल है, स्पीड अच्छी है तो रिएक्शन पॉसिबल है। तो काइनेटिक रिएक्टिविटी वो बताता है, काइनेटिक रिएक्टिविटी वो बताएगा स्पीड या टाइम ऑफ द रिएक्शन, स्पीड या टाइम ऑफ द रिएक्शन, काइनेटिक रिएक्टिविटी। तो दोनों की दोनों रिएक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी पे। बोथ रिएक्टिविटीज, लेकिन कम, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक के केस में यूजफुल है, ओनली इन केस ऑफ लिथियम, ओनली इन केस ऑफ लिथियम दिस इज यूजफुल। समझे कि नहीं? तो ये बात ध्यान रखनी है। रिएक्शन विद वाटर, अब ये सब ने पढ़ा हुआ है। अगर मैं लिथियम सोडियम पोटेशियम की बात करूं, रूबीडियम सीजियम फ्रेंशियम तो लेते नहीं है, लिथियम की वाटर के साथ रिएक्शन स्लो होती है, बनता है LiOH, LiOH प्लस H2 गैस रिलीज होती है, लेकिन रिएक्शन होती है स्लो। Na, ये तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th में भी पढ़ा हुआ है। मुकुल मत बोल बीच में, सबने पढ़ा हुआ ये। सोडियम रिएक्ट विग्रसली विद वाटर, सोडियम जो है बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ। सोडियम फायर, क्वेश्चन कैसे आता है, सोडियम फायर शुड नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग वाटर, क्योंकि सोडियम को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो वो बहुत रिएक्शन क्या फ्लेम जो होंगी और बढ़ जाएंगी। क्यों? H2 गैस रिलीज हो रही है, H2 गैस हाईली कंबसिबल है, H2 गैस रिलीज होती है हाईली कंबसिबल है, ये तो रिएक्ट ही बहुत स्लो कर रहा है। ये रिएक्ट क्यों कर रहा है स्लो? क्योंकि इसकी आयनाइज एनर्जी ज्यादा है, आयनाइज एनर्जी ज्यादा है तो उसको रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन लिथियम के केस में साइज छोटा तो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो जाती है, और वो जो रिलीज एनर्जी है वो आयनाइज एनर्जी को कुछ कंपनसेट कर देती है, इसीलिए रिएक्ट कर जाता है। अदरवाइज क्वेश्चन आता है व्हाई लिथियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर, व्हाई लिथियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर, रीजन इसका साइज छोटा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, साइज छोटा है, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत हाई है, तो इसलिए, और रिएक्शन होने के चांसेस किसकी वजह से हुआ है, हाइड्रेशन एनर्जी के। साइज छोटा आयनाइज एनर्जी हाई, साइज छोटा आयनाइज एनर्जी हाई, मेल्टिंग पॉइंट हाई, रिएक्शन हुई क्यों? बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ लैटिस एनर्जी,
वो कुछ हद तक आयनिक एनर्जी को कंपनसेट कर देती है। सोडियम तो रिएक्ट, सोडियम तो इवन कोल्ड मतलब कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, विग्रेसली रिएक्ट करता है, और फॉर्म और एच टू गैस रिलीज हो रही है, हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, वो आग को और भड़का देगी, फ्लेम्स और ज्यादा निकलेंगी। पोटेशियम भी वायलेंटली रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ। एच टू गैस रिलीज होती है, हाईली इनफ्लेमेबल है, हाईली इनफ्लेमेबल गैस ये रिलीज होती है, तो दिस इज रिएक्शन विद वाटर। क्लियर, लिथियम क्यों स्लोली रिएक्ट करता है, ये क्वेश्चन बनता है स्कूल लेवल पे, व्हाई लिथियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर। अब मैं अगर बात करूं सबकी रिएक्शन ऐसी होगी, एच टू गैस रिलीज होगी। अगर मैं बात करूं आगे बेरिलियम वगैरह की, बेरिलियम और मैग्नीशियम वो तो वाटर से रिएक्ट करते ही नहीं है, मैग्नीशियम रिएक्ट करता भी है ना वाटर के साथ, तो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करता है, हॉट वाटर से। रीजन कोई पूछेगा तो बोल देना, एक तो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन रही है, एक तो प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन रही है किसके ऊपर, बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऊपर। दूसरा, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्यों, इसमें से मेरे को दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, इसमें से भी दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। लिथियम के केस में तो एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना था, आयनाइजेशन एनर्जी देनी थी और वो कम थी, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी ने उसको कंपनसेट कर दिया और रिएक्शन हो गई। लेकिन बेरिलियम के केस में हमें दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी उसको इतना कंपनसेट नहीं कर पाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी उसको इतना कंपनसेट नहीं कर पाएगी। इस वजह से बेरिलियम जो है और मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट नहीं करेंगे, या रिएक्ट करेंगे भी तो स्टीम के साथ या हॉट वाटर के साथ। मैग्नीशियम रिएक्ट करता भी है तो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। तो बेरिलियम मैग्नीशियम इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्ट नहीं कर पाते हैं किससे, वाटर के साथ। यही थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक रिएक्टिविटी है। थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी मीन्स रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी, और रिलीज ऑफ एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्शन जल्दी होगी। और काइनेटिक रिएक्टिविटी मीन्स रेट ऑफ रिएक्टिविटी, यानी जल्दी रिएक्शन होगी अगर आयनाइजेशन, और दोनों डिपेंड करते हैं हमारे आयनाइजेशन एनर्जी पे। आयनाइजेशन एनर्जी कम तो थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी भी ज्यादा और काइनेटिक रिएक्टिविटी भी ज्यादा, इसलिए नीचे जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, इसलिए नीचे जाने पर रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। ये दो तरीके की रिएक्टिविटी हम चेक करते हैं, थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी और काइनेटिक रिएक्टिविटी ऑन रिएक्शन विद वाटर, अल्कली मेटल्स का भी, अल्कली मेटल्स का भी और अल्कलाइन मेटल्स के केस में भी, दोनों केस में भी चेक करते हैं। कंपनसेट कर देता है हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से, सिर्फ रिएक्शन हो गई किस केस में, लिथियम के केस में, लिथियम के केस में इसलिए रिएक्शन हो गई। तो दिस वॉज रिएक्शन विद एयर एंड वाटर, रिएक्शन विद एयर एंड वाटर। नेक्स्ट है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अच्छा एक चीज और लिख लेंगे, ये ना कुछ रिएक्शन और एनसीईआरटी के अंदर नोट कर लेंगे, जल्दी से आंसर देंगे इसका। जो प्रोटोन डोनर होते हैं उनके साथ भी अल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं, जैसे सोडियम की अगर रिएक्शन होगी अल्कोहल के साथ, फास्ट आंसर देना टाइम हो जाएगा, अभी 5-7 मिनट बाद क्लास स्टार्ट होगी। क्या बनेगा, सोडियम की रिएक्शन होगी अमोनिया के साथ तो क्या बनेगा, सोडियम की रिएक्शन होगी अगर एसिटिलीन के साथ तो क्या बनेगा, एक्टिव हाइड्रोजन, जो भी प्रोटोन डोनेट कर सकते हैं उनसे रिएक्शन होती है इनकी, जो भी प्रोटोन डोनेट करते हैं उनके रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगा इसमें, ये 10th वाले बच्चों ने भी पढ़ा होगा, एक्टिव हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा और रिएक्शन हो जाएगी, ये एक्टिव हाइड्रोजन है ये लिबरेट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, C2O5 ONA ONA+ ½H2। ऐसे इसके अंदर NH3 है तो NaNH2+ ½H2, Sodamide+ ½H2, इसके साथ भी दोनों अछट जाएंगे, NaNA आ जाएगा और H2 गैस रिलीज हो जाएगी -Na+।